रंगीला प्रणाम उसको छोड़ भैया जय रंगीला, आप सभी के स्वागत भैया जय रंगीला शॉर्ट ऑफिशियल चैनल में। तो भैया जो सुबह की वीडियो डाले नहीं, वो तो मान लो थोड़ी सी मजाक में डल नहीं है, टाइटल भी लिख लिया सर्विस सेंटर वालों ने भगा दिया। ऐसा नहीं है, आज अभी अभी हम सर्विस सेंटर गए थे, अभी अभी सर्विस सेंटर से आ रहे हैं, तो उन्होंने शायद ऐसा बात ही बोल दिया कि शायद बताने लायक नहीं। वो बोले कि भैया इसको आपको कम से कम इसका विदाई करना पड़ेगा। मतलब क्या बताइए, न हंसल जाता न रोल जाता, लेकिन क्या करें। अब बोले हैं कि इसको 2 हफ्ते रखना पड़ेगा, और ऐसा प्रॉब्लम आ गया इसका बॉडी, पता नहीं क्या वो होता है हार्डवेयर या बॉडी क्या होता है, उसको चेंज होगा या क्या होगा, और इसी से प्रॉब्लम है। और 2 हफ्ते के बाद मतलब समझ ही नहीं आ रहा, 2 हफ्ता लगेगा तो उसमें 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, तब शायद आप सब समझ सकते हैं कितना नुकसान होगा, कितना आप सबको मतलब कितना हम पागल हो चुके हैं, हम वहीं से एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं। और एक बोले कि अगर दुकान पे अगर इसको बनवाते हो, तुरंत बनवाते हो, तो कम से कम 1 दिन में बना के देगा, तो कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये आपसे लेगा। तो हमको ये भी लगा कि यार तब भी खुलेगा, और खुलने के बाद आप सबको पता ही है कि मोबाइल एक बार खुल जाता है तो उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो जितने का मोबाइल नहीं जितना का मुर्गा नहीं उतने का मसाला लगेगा। तो समझ में नहीं आ रहा, एक साथ एक ही वक्त में दो दो घटना, एक तो बाइक भैया एक्सीडेंट हुआ, और बाइक भी एकदम मतलब कि एकदम पूरा एकदम तहस नहस हो गया, उसमें भी 15-16 हज़ार खर्च आ गया है, और इधर मोबाइल में भी आ गया है। तो बने क्या करें, समझ नहीं आ रहा कि बनाए क्या करें। और आप लोग प्लीज़ आप सबसे आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मोबाइल सर्विस सेंटर में दे दें या नहीं। हमने वहाँ तो दिया नहीं, अभी मैं दिया नहीं उनको, मैंने बोला चलिए सर 2-4 दिन बाद आते हैं तब बताते हैं आपको देते हैं कि नहीं देते हैं मोबाइल। और हमने सोचा कि यार कुछ वीडियो बना के भाइयों से पूछ लेते हैं, मोबाइल दे दे बनने के लिए या रहने दे या फिर दूसरे मोबाइल का कुछ जुगाड़ करें, क्योंकि इतने जल्दी आप सबको पता ही है कि नॉर्मल मोबाइल से काम होने वाला नहीं है, कि नॉर्मल मोबाइल में कैमरा सही नहीं होता है, तो उसके लिए अच्छा सा कैमरा चाहिए होता है वीडियो शूट करने के लिए। जो कि मैं लिया था इसको तब मैं शुरू में जब आया था तो मैंने 26-27 हज़ार रुपये का आया था, तो मैंने लिया था इस मोबाइल को। और फिर अब उतना सिस्टम भी नहीं है कि अभी गया था वहाँ पर कुछ टाइम पूछने के लिए, मेरे मित्र हैं एक और जो MI स्टोर में रहते हैं, तो उन्होंने बोला भैया कि 35-40 हज़ार का फ़ोन वन प्लस या कुछ कोई ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो मतलब कैमरा ही मतलब कोई मोबाइल का सही नहीं आ रहा है। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यार उतना पैसे भी देना पड़ेगा, इतने जल्दी तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, और एक साथ दो दो काम है, तो सिस्टम उसका भी इसका भी, और मतलब बहुत सारा टेंशन हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या करें हम, मतलब सर्विस सेंटर मोबाइल दे दें या नहीं दें। देने के बाद 2 हफ्ते लगेगा, लगभग 10 से 15 दिन लग सकता है, तो कब तक क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दें कि नहीं, उसके बाद हम कुछ सजेशन लेते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, तब अगला वीडियो में बताते हैं कि हम देंगे कि नहीं देंगे, कैसे क्या करना है। चलिए ठीक है, बस।